हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, ये जो वीडियो है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि राउंड टू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, फिर चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करें या फिर स्टेट कोटा के थ्रू करें। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी राउंड टू की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है ऑल इंडिया कोटा में भी और जितने भी स्टेट हैं उन सभी के स्टेट कोटा में। तो स्टेट वाइज आज इस वीडियो में हम कट ऑफ मार्क्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एक स्टेट्स को मैंने कवर किया है उन स्टेट पर बात कर लेते हैं, बाकी के जितने भी स्टेट बच जाते हैं उन सभी को आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन पर भी वीडियो दे दूंगा। सभी स्टेट को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने जो बड़े स्टेट्स हैं जिनमें सीट्स काफी ज्यादा हैं उन सभी स्टेट्स को कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से शुरू करते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 600 से 605 मार्क्स आपके बन रहे हैं और राउंड वन में आपको सीट नहीं मिली है, तो राउंड टू में आपको डेफिनेटली जो सीट है वो मिल सकती है। तो राउंड टू में आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इसी बीच अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उतने ही मार्क्स है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके उतने ही मार्क्स है, तो इन तीनों कैटेगरी में आपको सीट मिल सकती है। अगर आपके 600 के अराउंड मार्क्स है यानी कि 595 या फिर इसके अराउंड भी मार्क्स है तो भी आपको सीट मिल सकती है, चांसेस काफी ज्यादा हाई है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बाकी बात रही एससी की, तो एससी के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो 490 to 495 और एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 470 to 475। इतने अगर आपके मार्क्स हैं ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली राउंड टू में आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात रही राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा 15% की। अब एक एक करके स्टेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेट आता है वो आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 545 to 550 मेरा एक्सपेक्टेशन है, इतनी कट ऑफ तक जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 540 to 545, ओबीसी में भी 540 to 545, एससी में 525 to 530 और एसटी की 320 to 325। इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जरूर से राउंड टू में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो राउंड टू में मिलने के चांसेस 99.99% है। ठीक है, इतने मार्क्स पर आपको कोई सा भी कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आपको डेफिनेटली जो है वो मिल जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश यूपी का स्टेट आ जाता है, जिसमें जनरल के लिए 590 to 595, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम और ओबीसी के लिए भी सेम, एससी के लिए 440 to 445 और एसटी के लिए 230 to 235। इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आपको डेफिनेटली यूपी में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राउंड टू में जो है वो मिल जाएगा, तो इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, बाकी के स्टेट्स देख लेते हैं। तो बाकी के स्टेट्स में नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जनरल के लिए 560 to 565, सेम एज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 550 to 555, एससी के लिए 470 to 475 एंड एसटी के लिए 340 to 345। इतने अगर आपके मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज तो डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र में सीट मिल सकती है राउंड टू में, तो उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर से कीजिएगा। और हमारा लास्ट सीट बच जाता है, वो बच जाता है राजस्थान। राजस्थान की तो कट ऑफ यार ऑल इंडिया कोटा से भी ज्यादा है, तो जनरल में 620 to 625, ईडब्ल्यूएस में 615 to 620, ओबीसी में सेम एज जनरल, एससी के लिए 525 to 530 और एसटी के लिए 515 to 520। ठीक है, इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं राजस्थान में तो डेफिनेटली आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और आप अपनी एमबीबीएस अच्छे तरीके से कर सकते हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में। तो ये चार स्टेट्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो बाकी के जितने भी स्टेट बच जाते हैं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे की वीडियो उन सभी स्टेट्स पर बनाने की जो है वो कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी, एक्सपेक्टेशन सही है या नहीं, इसके बारे में आपके ओपिनियंस भी जरूर दीजिएगा। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियोस आती रहेगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।